तो हेलो दोस्तों, तो आज हमारे पास ये एक ख़राब मैग्नीफाई ग्लास, तो ये कबाड़ के अंदर पड़ा था, तो मैंने सोचा इसका एक यूज किया जाए। तो हम इसके ज़रिए बनाएंगे एक हैंड फैन। तो ये देखिए, थोड़ी इसके अंदर क्रैक भी है, तो यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं पहले। और ये टूटा हुआ ही है पहले से ही, तो पहले हम इसके हैंडल को निकाल लेते हैं और इससे हम एक बनाएंगे हैंड फैन, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो इसके ग्लास को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये हमारे किसी काम का नहीं है, काफ़ी दिन हो गए इसको पड़े रहे, तो ये है हमारे काम की चीज़। तो इसके लिए हमें और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, तो ये देखिए, हमारे लिए ये आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि ये पेन की स्ट्रो, और ये एक फ़ैन, और ये एक आता है मेहंदी की कोण के आगे जो आती है वो है, और ये है एक चक्री। तो इसकी सहायता से हम बनाएंगे एक ख़तरनाक हैंड फैन। तो हमको इस तरीके से इसको क्या करना है, फिट करना है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं आगे से। तो आगे से कटिंग करने के बाद इसकी आगे से पिटाई करनी होगी हमें। ये देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पिटाई कर देंगे। तो ये देखिएगा, हमने इसकी पिटाई अच्छे से कर दी है और अब करेंगे इसको फिट। तो साइड के अंदर से जिस तरफ हमने इसको खोला था उस तरफ हम इस तरीके से इसको इसके अंदर डालेंगे और सेंटर के अंदर इसको बिल्कुल फिट कर देंगे। और फेविक्विक की सहायता से हम चिपका भी देंगे इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि ये इसके लॉक तो टूट गए हैं। और अब इसका फटाफट से हैंडल फिट कर देते हैं। और ये लगभग आधा हैंड फैन हमारा तैयार हो चुका है, बस इतना ही करना था, इसके अंदर ज़्यादा कुछ और नहीं है। तो इसको हम फटाफट से फिट करते हैं। और शायद इस हैंडल के भी हमें फेविक्विक लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके भी लॉक टूट चुके हैं। तो चलो इसके थोड़ी फेविक्विक लगा देते हैं और फिर टेप भी चिपकाएंगे इसके। तो फटाफट से फेविक्विक को चिपका देते हैं। तो गाइस, मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये फ़ैन हवा देने वाला फ़ैन नहीं है, ये फ़ैन एक टॉय फ़ैन है। तो हमने इसको अच्छी तरीके से चिपका दिया, ये देखिए, और टेप वगैरह अच्छी तरीके से चिपका दिया है। और अब क्या करेंगे, इस फैन को असेंबल करेंगे। तो इस फैन के अंदर हमें ये लोहे की कील डालेंगे और फिर इस चक्री के अंदर इसको डाल देंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से घूमने लग जाएगा। और जैसे ही आप इसको तेज़ हवा के अंदर ले जाएंगे तो ये बहुत तेज़ से फ्लाई करेगा। तो हमें सेंटर के अंदर इसको फिट करना है। तो हमने इसको अच्छे तरीके से फिट कर दिया है और अब है इसको हवा में ले जाने की बारी। तो चलो अब इसको हम हवा के अंदर लेकर चलते हैं। तो आप इसको जैसे ही हवा के अंदर ले चलेंगे तो ये काफ़ी स्पीड से घूमेगा। तो मैं फ़ैन ऑन करता हूँ, सीलिंग फ़ैन, और फिर देखेंगे कि इसकी स्पीड कितनी रहती है। तो चलो थोड़ी आवाज़ और सुना देता हूँ मैं आपको। तो हमने फ़ैन ऑन कर दिया है, ये देखिए काफ़ी स्पीड के अंदर ये घूम रहा है। तो गाइस यार, ये टॉय आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, काफ़ी स्पीड के अंदर घूम रहा है।